और अब ये जानिए कि कराची की सुबह एंटी करप्शन कोर्ट में नस्ला टावर केस एंटी करप्शन हुकाम ने मंजूर कादिर काका को गिरफ्तार कर लिया है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा खुसूसी इरफानुल हक से। इरफानुल हक, इस केस से मुतालिक मजीद क्या डेवलपमेंट सामने आ पा रही है? देखिए, ये नस्ला टावर को कानूनी तौर पर अलॉटमेंट दी गई थी और उस वक्त के जो डीजी एलजीसी हैं मंजूर काका, वो बैरून मुल्क थे और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मंजूर काका समेत दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। अभी गुज़िश्ता दिनों वतन वापस पहुंचे हैं मंजूर काका और उन्होंने 26 जुलाई को अबूरी जमानत हासिल की थी। आज अबूरी जमानत की तौसी की दरख्वास्त सुबह एंटी करप्शन कोर्ट ने मुस्तरद की, मंसूख की और उसके बाद फिर एंटी करप्शन हुकाम ने उन्हें हिरासत में ले लिया है और एंटी करप्शन पुलिस का ये कहना है कि उन्हें दोबारा अदालत में पेश करके तफ्तीश के लिए रिमांड हासिल किया जाएगा। शुक्रिया आपका।